लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 184 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें भाजपा ने किशनगढ़ से पूर्व विधायक भागीरथ चौधरी को अजमेर लोकसभा से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लिस्ट जारी होने के बाद भागीरथ चौधरी अपने आवास पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया है। और इस दौरान मीडिया से बातचीत में भागीरथ चौधरी ने दावा किया कि प्रदेश में सभी 25 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया गया। इस अजमेर संसदीय क्षेत्र का चौमुखी विकास करने का मैं भरसक कोशिश करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अजमेर संसदीय क्षेत्र से तो हम भारी मत से जीतेंगे। पूरे राजस्थान में जो 2014 में 25 की 25 सीटें नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में गई, वैसे पुणे 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।